हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, मैं बीमार हो गया था और भी कुछ काम थे घर में, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अब एक दो दिन बाद से रेगुलर वीडियोज़ आएंगे और बढ़िया क्वालिटी के वीडियोज़ भी आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो मुझे भी आज ही पता लगा है। मैंने अब तक आपको i20 के लगभग एक का एक छोटा से छोटा फीचर वीडियो बनाकर दिखा दिया है और लगभग ऐसा कोई भी फीचर नहीं बचा जो कि मैंने नहीं बताया हो, शायद एक दो बच रहे होंगे। तो आज ही मुझे पता चला कि यहाँ पे जो एक की है इसमें एक बैटरी लगी हुई होती है, पैनासोनिक की या सोनी की या किसी की भी होती है, बढ़िया कंपनी की होती है। ये की बैटरी लगभग 2-3 साल तक, 1-2 साल तक चल जाती है। लेकिन अभी मेरी कार को केवल 7 महीने या 8 महीने हुए है और इसकी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जैसा कि जैसे यहाँ पे ये क्लस्टर मीटर ऑन है, यहाँ पे मैं चाबी को रख देता हूँ और यहाँ पे अभी मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं की बैटरी लो का यहाँ पे आ गया है। तो ये तो मुझे आज ही पता लगा कि यहाँ पे कार में आपको MID में शो होगा कि यहाँ पे की बैटरी लो हो रही है। तो अब देखता हूँ कि ये कितने दिन और चलती है। वैसे तो 7-8 महीने हुए है, इसकी की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने का ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने इतने सारे कार के ऊपर वीडियोज़ बना दिए, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको खोला, अनलॉक किया, टेस्टिंग के लिए भी बार बार की को अनलॉक किया, जिसकी वजह से इसकी बैटरी डिस्चार्ज होती गई। तो इसी कारण से इसकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो गई और यहाँ पर अभी पता नहीं कितने दिन और चलेगी इसकी बैटरी। जब इसकी बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा कि अब डेड हो गई है, और उसके बाद में हम और भी कुछ वीडियोस बनाएंगे डेड यहाँ पे डेड की के साथ कैसे हम कार को स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर भी बनाएंगे। आप अपनी कार में जो स्मार्ट की है उसकी बैटरी लाइफ के बारे में आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैंने ये कार नवम्बर 2020 को ख़रीदी थी, 21 नवंबर 2020 को ये कार मैंने ख़रीदी थी, और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कितने महीने हो गए और इतने दिन में इसकी बैटरी लो हो गई। अभी तो ये चल रही है, इसकी कितने दिन और चलेगी उसमें लो का साइन नहीं आया है, अभी पूरी तरह से इसकी डिस्चार्ज नहीं हुई है, कितने दिन और चल जाती है देखते हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, 6 महीने में या 8 महीने में आपकी कार की जो स्मार्ट की होती है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई है क्या, और इसको बदलाने का प्रोसेस भी आप बता देना कमेंट में, और यहाँ पे इसकी बैटरी कैसे मिलेगी वो भी बता देना। वैसे तो मुझे पता है कि जो घड़ियों की दुकान होती है उसमें इसके अंदर जो सेल लगा हुआ होता है वो एकदम वो घड़ी वाला सेल ही होता है, गोल गोल बड़ा वाला, एकदम जो कॉइन के जैसे होता है ना वो सेल है। तो उस सेल को निकाल कर हम जैसे घड़ी की शॉप पर दिखाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, या आप शोरूम वालों को भी बता सकते हैं, वो भी आपको सेल दे देंगे। तो देखते हैं, शोरूम पर बात करूंगा मैं सबसे पहले, क्योंकि शोरूम पर ओरिजिनल मिलेंगे और वो दुकान पर वैसे नकली भी मिल जाती है। तो यही था आज का वीडियो, मुझे कुछ पता लगा i20 के बारे में कि यहाँ पे जो जब स्मार्ट की बैटरी लो हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है तो यहाँ पे आपको MID में शो होगा। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी बैटरी कब डिस्चार्ज हो जाएगी, आपको पहले ही यहाँ पर MID में पता लग जाएगा कि इसकी बैटरी कमज़ोर हो गई है, तो आप उसी टाइम इसको चेंज करा सकते हैं। वैसे तो बिना बैटरी जैसे ये डेड हो जाएगी उसके बाद भी आप कार को एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और कहीं पे ले जा भी सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।